ओम शांति। 9/10/2022 की अव्यक्त मुरली, रिवाइज 12/11/1992। भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट के राजाएं बनते हैं। सारे विश्व पर एक राज्य वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो तीन प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्वा का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है, सभी राजयोगी हो या प्रजायोगी हो, राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं, ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। ना सिर्फ यह स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो, अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज्य अधिकारी। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। तो स्वराज्य की नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं, लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रिय व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी हैं। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। तो अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो, अधिकारी बन गए या बन रहे हो, तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है, क्या बन जाते हो, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे यह विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है।
यह बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है। है ही बेगम, तो बेगमपुर का अनुभव है ना? या कभी कभी नीचे आ जाते हो? सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता तो उसका अधिकार रहता है, साधारण बन जाता है। तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त वह अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, यह अकाल तख्त, यह अकाल तख्त सभी के पास है। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों? लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। यह परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कह देते हैं यह राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्वपर राज्य, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखने तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया, कान को दरवाजा नहीं है इसलिए कान में बात पड़ गई। लेकिन दो कान हैं, अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। इसलिए इस भारत में ही विशेष यह चित्र बापू की याद में बना हुआ है। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, यह तीन दिखाते हैं, आप चार दिखाते हो। बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता, फिर बोलना होता, फिर देखना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर, राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं, कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं कि यह नहीं करना चाहिए, यह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है, और यहाँ के बजाय वहाँ लग गई तो भी क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना, चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा नहीं सकते या ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण ठीक लग नहीं सकती। तो यह चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है? ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ यह नहीं कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहां। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करने चाहते हैं, समझते हैं यह रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए। बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। यह हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी, मिक्स।
तो उसको राज्याधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे? तो अब पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनूं। यह स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं है। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है, तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना, या कभी कभी मौज है। शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना, तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है और विश्वराज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति यह है सतयुग त्रेता की राजनीति। राजा कहलाते हैं, लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत है और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं हो। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय यह नीति चलती है। लॉ नहीं लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं। दुख क्या चीज होती है, उसका अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं, स्नेह और श्रीमत। श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है, एक राज्य है और अखुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी, आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति हैं उन्होंने भी ज्यादा। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, लेकिन इसका आधार क्या है, स्वराज्य। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसलिए कहा नंबर वन राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य, और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते ही हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो सदा किस नशे में रहना है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किस जन्म का, ब्राह्मण जन्म का। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। तिलक धारी हो ना, तिलक है स्मृति का, तिलक भी है, तख्त भी है और ताज भी है। ताजधारी हो ना, कौन सा ताज है, विश्व कल्याण का ताज। विश्व कल्याणकारी हो ना, प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज। प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज डबल ताज है। प्योरिटी का ताज है लाइट का ताज और विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। विश्व सेवाधारी हो ना, ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो। हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी हैं, नहीं, विश्व सेवाधारी। कहाँ भी रहते हैं लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो ना स्वराज्य ना विश्व राज्य, फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। स्थिति में स्थित होना यही तख्त पर बैठना है, जो सदैव बैठ सकते हैं।
शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना, लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, यह है तख्त नशीन होना। यह तो सहज है ना, तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं लेकिन अधिकारी बनना। सभी ने मिलन मनाया ना, सभी भाग भाग कर आते हैं परमात्मा मिलन का मेला मनाने के लिए, तो मिलन के मेले में आए हो ना। यह मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना, आराम से रहना, खाना, चलना, सब आराम से है ना। फिर भी बहुत लकी हो, उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो, फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई है ना। वहां मेले में तो नहाओ तो भी मिट्टी रहो, वहां मेले में तो नहाओ तो भी मिट्टी रहो, तो भी मिट्टी, और खाओ तो भी मिट्टी साथ में आएगी। यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में, नशे से आते हो, बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नजर लास्ट तक जाती है। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार, साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हों, लेकिन उन्हों की याद, सेवा समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत नाम सहित, हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं, और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो, और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है, वह यह कहें कि पहुंचे हुए ही हो। तो याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो, तो सर्व हल चले मर्ज हो जाएंगी और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं, उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है। इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। जाऊं इन लहरों को दामन में भर।
जाऊं आप दृष्टि यूं।